हज के दौरान हम इमाम काबा के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब जुमा नमाज जुमा होती है और अगर वहाँ और अहमदी नजर ही ना आए तो फिर क्या सूरत हाल, मतलब क्या करना चाहिए सूरत हाल में? अकेले पढ़ लिया करें, मगर इमाम काबा के पीछे नहीं पढ़ने। मगर वो जुमा तो नहीं ना रहेगी फिर, क्या नमाज जुमा जो है, नमाज जुमा फिर भी हो सकती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, एक अराबी जो भेड़ बकरियां चराने के लिए सहरा में जाया करता था, उसको आपने फरमाया कि जब नमाज का वक्त हुआ करे तो तुम अजान दे दिया करो। अजान दोगे तो लोग सुनेंगे, अगर कोई चल राहगीर तो वो तुम्हारे साथ आ जा करेंगे, अगर कोई ना हो तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देगा, वो तुम्हारी इमामत में नमाज पढ़ लिया करेंगे। तो नमाज जुमा के लिए भी यही हुक्म है।